नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 40 Pro वर्सेस Poco C65 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Hot 40 Pro में 6.64 इंच जबकि Poco C65 में 6.61 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Hot 40 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Hot 40 Pro में 3.02 इंच जबकि Poco C65 में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Hot 40 Pro में 0.33 इंच जबकि Poco C65 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Hot 40 Pro में 199 ग्राम्स जबकि Poco C65 में 192 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Hot 40 Pro में 6.78 इंचेस जबकि Poco C65 में 6.74 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Hot 40 Pro में 1080x2460px FHD+ और Poco C65 में 720x1650px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Hot 40 Pro में 84.65% जबकि Poco C65 में 82.45% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Hot 40 Pro में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Poco C65 में 267 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Hot 40 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। और Poco C65 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Hot 40 Pro में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Poco C65 की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Hot 40 Pro में माली G57MC2 जबकि Poco C65 में माली G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Hot 40 Pro में MediaTek Helio G99 और Poco C65 में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Hot 40 Pro में 8GB की RAM मिलती है जबकि Poco C65 में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Hot 40 Pro में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Poco C65 में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Hot 40 Pro में 4 कलर्स जबकि Poco C65 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Hot 40 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Poco C65 की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 8,499 रुपीस
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो दोनों फोन में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में हॉट 40 प्रो आ गए है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में हॉट 40 प्रो आ गए है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y200e 5G है, दूसरा मोटो G04 4G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।